अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अफलाह चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टेस्टी चिकन मंचूरिया। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हाफ के जी बोनलेस चिकन को वह वॉश करके इस तरह से छोटे पीसेस करके रख ली हूँ। इसमें 1.5 टीस्पून या स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर, 2 एग वाइट डालकर मिक्स करेंगे। एक कढ़ाई या पैन लेकर फ्लेम को ऑन करके डीप फ्राई के लिए ऑयल डालकर मीडियम गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है, इसमें थोड़े थोड़े चिकन के पीसेस डालकर फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करिए, हाई फ्लेम पर पकाने से चिकन अंदर से कच्चा रहेगा। चिकन मंचूरिया को नूडल्स के साथ या प्लेटर्स में सर्व कर सकते हैं। नूडल्स बनाने की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। 3 to 5 मिनट्स के बाद चिकन पीसेस को पलटाकर दूसरे साइड भी यह फ्राई करेंगे। चिकन पीसेस फ्राई हो चुके हैं, एक प्लेट में किचन टॉवल या टिश्यू रखकर उस पर यह डाल लीजिए। इसी तरह से पूरे चिकन पीसेस फ्राई करेंगे। आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करूंगी इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। एंड थैंक्स फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स। एक पैन लेकर फ्लेम को ऑन करके इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है, 1 टीस्पून बारीक कटी हुई अदरक और 1 टीस्पून बारीक कटी हुई लहसुन, थोड़े से काजू डालकर भून लेंगे। एक से दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 roughly chopped ऑनियन, 1 chopped कैरेट, 1 roughly chopped कैप्सिकम, 1 टीस्पून या स्वाद अनुसार नमक, ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि चिकन में भी यह नमक डाले थे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। वन टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप डालकर मिक्स करना है, 1 to 2 ग्लास वाटर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को थोड़ा पानी में मिक्स करके यह डालेंगे। कॉर्नफ्लोर का पानी यह डालने से ग्रेवी में थिकनेस आएगा। गाढ़ा होने तक पकाना है 2 to 3 मिनट्स के लिए। फ्राई किए हुए चिकन पीसेस डालकर मिक्स करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है चिकन पीसेस सॉफ्ट होने तक। पिंच ऑफ शुगर डालेंगे स्वीटनेस के लिए। आपके पास प्याज की पत्ती है तो वह डाल लीजिए। पानी सूख चुका है, फ्लेम को ऑफ करके प्लेट या सर्विंग बाउल में निकालेंगे। टेस्टी चिकन मंचूरिया बनकर तैयार है। आपको इस रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करूंगी इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टेक केयर।